हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप ये जो सिंबल देख रहे होंगे, आपने इसे कई नर्सिंग होम हॉस्पिटल्स वगैरह में देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो को देखकर। इस सिंबल को कडोसियस के नाम से जाना जाता है। कडोसियस एस्केलिपस का दंड है, जो छड़ी है, अगर हम कह सकते हैं जिस प्रकार जादूगर के पास जादू करने के लिए एक छड़ी होती है, उसी प्रकार एस्केलिपस के पास भी लोगों को चंगा करने के लिए एक छड़ी थी, जिसे कडोसियस के नाम से जाना जाता है। एस्केलिपस का हिंदी मतलब डॉक्टर या फिर चिकित्सक होता है। एस्केलिपस एक ग्रीक के भगवान थे, जिन्हें गॉड ऑफ मेडिसिन या फिर दवाइयों की देवता के रूप में जाना जाता है। यह अपोलो और कोरोनेसिस के संतान थे। अपोलो का योगदान चिकित्सा क्षेत्र में बहुत अधिक नहीं था, इसके बावजूद भी चिकित्सा क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा नाम है। इसी कारण बड़े बड़े शहरों में अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो ड्रग सेंटर्स आदि के नाम से खुले हुए होते हैं। अपोलो एस्केलिपस के पिता होने के कारण ही चिकित्सा क्षेत्र में इनका इतना बड़ा नाम है। ग्रीक कथाओं के अनुसार एस्केलिपस के पास विशेष सांप रहते थे, जिसके द्वारा ही ये लोगों का इलाज करते थे। ये इन सांपों को फर्श पे छोड़ देते थे, जो घायल या फिर मरीज के आसपास घूमता था और उन्हें चंगाई देता था। एस्केलिपस के साथ साथ इनकी बेटियों का भी नाम चिकित्सा क्षेत्र में बहुत अधिक महत्वपूर्ण रखता है। उदाहरण के लिए हाइजिया, जो कि स्वच्छता की देवी थी। हाइजिया शब्द का से ही हाइजीन शब्द का निर्माण हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वच्छता। इनकी एक और बेटी थी, जिसका नाम पैनेसिया था। पैनेसिया को गॉडेस ऑफ यूनिवर्सल रेमेडी के नाम से जाना जाता है, अर्थात हर रोगों का इलाज करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। पैनेसिया का हिंदी मतलब रामबाण होता है, जिसके कारण कहा जाता है कि ये मेडिसिन इस चीज़ की रामबाण इलाज है, जो पैनेसिया के नाम के ही कारण जाना जाता है। आइसो, जो कि गॉडेस ऑफ रिकपरेशन फ्रॉम इलनेस के रूप में जानी जाती हैं, यह बीमार व्यक्तियों को उनकी बीमारी से मुक्त करती हैं। अगले, जो कि गॉडेस ऑफ गुड हेल्थ के रूप में जानी जाती हैं। फादर ऑफ मेडिसिन के रूप में जाने जाने वाले हिप्पोक्रेट्स भी इसी वंश से संबंध रखते थे। ऐसा माना जाता है कि एस्केलिपस के पास इतनी ताकतें आ गई थीं, हीलनेस की इतनी ताकतें आ गई थीं कि ये मुर्दे को भी जीवित कर देते थे। इसीलिए ज्यूस, जो कि ग्रीक के बहुत बड़े भगवान हैं, उन्होंने एस्केलिपस को अपने दंड से मार डाला था, ताकि वे किसी को भी जीवित ना कर सके। तो आपने देखा, एस्केलिपस, हाइजिया, पैनेसिया आदि के हाथ में सांपों को तो ज़रूर आपने देखा होगा। सांपों का प्रयोग हीलनेस के लिए किया जाता था, चंगाई देने के लिए किया जाता था। इसी कारण सांपों से लिपटा हुआ ये दंड मेडिकल सिंबल के नाम से भी जाना जाता है, और शायद इसी कारण से ही WHO ने भी अपने सिंबल में कडोसियस को जगह दी है, रखी है। यदि आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी हों, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग भी जान सकें कि ये मेडिकल सिंबल का मतलब क्या होता है, और इनसे जुड़े रहस्यों को भी जान सकें। धन्यवाद।